आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एक्सेल में जो हम यूजर फॉर्म बनाते हैं उसमें अगर हमें कहीं पे टेक्स्ट बॉक्स का कैलकुलेशन करना पड़े तो कैसे करेंगे। चैनल को आप पहली बार हमारे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले लगातार वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और इस वीडियो में मैं आपको यूजर फॉर्म बनाना नहीं बताऊंगा क्योंकि यूजर फॉर्म के ऑलरेडी मेरे चैनल में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे यूजर फॉर्म का सम फॉर्मूला। तो यूजर फॉर्म बनाना सीखना चाहते हैं तो यूजर फॉर्म हमारे पास बहुत सारे वीडियो हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले तो हम फाइल को सेव करेंगे। अभी फिलहाल मेरी ये फाइल बनी हुई है तो मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ। मैंने इसको सम ऑफ यूजर फॉर्म, फिलहाल यूजर फॉर्म के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करते समय आपने एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक में सेव करना है। ये काम हो गया। अब हमारा दूसरा काम डेवलपर टैब इसमें लगाना। डेवलपर टैब आपने अगर यूजर फॉर्म का वीडियो देखा है तो वहां से आप आसानी से लगा सकते हैं। फिलहाल हम इन चीजों में समय न गवा के सीधे विजुअल बेसिक में आ जाते हैं। यहाँ पे हम यूजर फॉर्म में आ जाते हैं। अभी यूजर फॉर्म के ये वाले तो आपने देखा है, ये बने हुए हैं। अब हमने इसमें कौन से फॉर्मूले या कौन सी कोडिंग करनी है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बॉक्स हैं। अब इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, 4, 5। ये पांच टेक्स्ट बॉक्स हैं और इनका जो टोटल लेना है वो हमने 6 नंबर के टेक्स्ट बॉक्स में लेना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसमें डबल क्लिक करेंगे यानी टेक्स्ट बॉक्स डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स प्राइवेट सब टेक्स्ट बॉक्स 1 अंडरस्कोर चेंज। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे क्योंकि तो टेक्स्ट बॉक्स हमें ये ध्यान देना पड़ेगा इसमें हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स कितने हैं और उनका टोटल कहाँ पे चाहिए। तो हमें जो टोटल लेना है वो टोटल लेना है हमने टेक्स्ट बॉक्स 6 में, और जो हमारे पास टोटल टेक्स्ट बॉक्स हैं, टोटल टेक्स्ट जो हमारे पास टोटल टेक्स्ट बॉक्स हैं वो हैं 5। फाइव कैसे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल टेक्स्ट बॉक्स जिनको हमने कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पे एक लिखेंगे DIM यानी कि डिम डिक्लेरेशन इन मेमोरी। डिम अब हम कोई भी यहाँ पे अपना एक अक्षर ले लेते हैं जिस अक्षर के अकॉर्डिंग हमने कमांड देनी है। डिम एक्स एज अभी लॉन्ग नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम डबल और इसको हम यहां से एंटर कर देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 0 यानी एक्स क्या है, 0 से शुरुआत होगी। अब उसमें हर एक टेक्स्ट बॉक्स का हम उसको जोड़ते चलेंगे। अब हम यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ लेन ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे लेन का फॉर्मूला जो है वो लेंथ बताएगा कि अक्षर कितने हैं उसमें। तो इफ लेन टेक्स्ट बॉक्स 1, मैं इसका पहले थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूं, हमने यहां पे लिया इफ लेन टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज किया मोर देन 0 देन, यदि टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू है वो बड़ी है 0 से देन एक्स बराबर, अभी तक तो एक्स 0 है। अब हम क्या करेंगे, एक्स बराबर यानी एक्स का क्या अर्थ हो, एक्स बराबर एक्स प्लस यानी एक्स में जो 0 है उसमें जुड़ जाए टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। तो ये एक हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए हो गया। तो अब हम इसी की कॉपी कर लेंगे और नीचे इसको पेस्ट करेंगे। 2 नंबर 3 यहां से हम 2 नंबर हो गया, फिर उसके बाद 3 नंबर और 4 नंबर, ये 5। ये 4 नंबर में क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कितने, टेक्स्ट बॉक्स 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स 2, 3, 4, 5, इसमें 5 टेक्स्ट बॉक्स आ गए। अब इसके बाद हम कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स
सिक्स बराबर एक्स। अब देखो यहां पे मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स वन में वन लिखा है या टेन लिखा है, तो एक्स बराबर हो गया जीरो में टेन प्लस हो गया तो वो टेन हो गया। फिर यहाँ पे जो है एक्स, ये वाला एक्स जो है टेन है, उसमें टेक्स्ट बॉक्स टू में 15 है तो 25 हो गया। इसी तरह से ये आगे कैलकुलेशन है। अभी क्या है, अभी जो हमने ये लिए हैं, जो हमने टोटल कहाँ पे लेना है, ये हमने ले लिया है टोटल, टोटल हमने लेना है टेक्स्ट बॉक्स में। इसके लिए ये जरूरी नहीं है आपने ये लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर देता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, तो यहां पे यूजर फॉर्म चलाएंगे हम रन यहां से। अभी इसमें हमने क्या किया है, हमने सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स पे लगाया है, तो हम यहाँ पे पहले नीचे वाले में वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे 20 20 20 20 यहाँ पे, यानी चार वैल्यू ले ली। अगर हम यहाँ पे भी 20 लिखते हैं तो आपने देखा वो वहां पे 100 आ गया, अगर हम यहाँ पे से 20 घटा दें तो वो 18 आ गया, अगर हम यहाँ 10 कर दें तो 19 आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम कुछ चेंज करते हैं तब वो चेंज नहीं होगा, उसके लिए हमें या तो दोबारा से यहाँ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो बनाया है वो टेक्स्ट बॉक्स वन के लिए बनाया है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक और तरीका, एक हम इसमें इंसर्ट करेंगे हम मॉड्यूल, जैसे मॉड्यूल नंबर 3, और जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में दिया था इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, यहां से यह कट कर लेते हैं, मॉड्यूल 3 में आ गया, यहाँ पे ले लिया हमने सब सम कैलकुलेशन, तो यहाँ पे हमने वो पेस्ट कर दिया। अब हमने पेस्ट तो कर दिया, लेकिन हमें इसमें एक काम ये करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से तो वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ेगा कि हमारे यूजर फॉर्म का नाम क्या है। जैसे हमारे यूजर फॉर्म का नाम है यूजर फॉर्म वन, तो हमें वो क्या है ये देखेंगे आप, तो ये प्राइवेट सब है, यानी कि इसी प्रोजेक्ट में यानी यूजर फॉर्म के अंदर जितने भी कोड बनेंगे वो प्राइवेट में बनेंगे, जैसे शीट के अंदर प्राइवेट में बनेंगे, अगर मैक्रो में बनाएंगे तो वो प्राइवेट में नहीं आएंगे। उसमें क्या होगा, हमें यहाँ का यूजर नाम फॉर्म का नाम बताना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे जैसे यूजर फॉर्म वन डॉट, तो यूजर फॉर्म का टेक्स्ट बॉक्स वन। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है यूजर फॉर्म काफी सारे हों तो वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, तो इसलिए इसमें यूजर फॉर्म का नाम देना पड़ेगा। इसको कॉपी करके यहाँ पे हम इनकी जगह में पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट, साथ ही साथ जहां जहां आपने यूजर फॉर्म दिए हैं वहां पे पेस्ट कर दें, तो ये क्या हो गया हमारा एक कोड बन गया, डिम एक्स एज डबल एक्स बराबर जीरो, और ये हमारा हो गया इफ लेन यूजर फॉर्म वन डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू, यानी जो हमने ये यूजर फॉर्म बढ़ा दिया, कुल मिला के कहने का मतलब मोर देन जीरो, वैल्यू जीरो से बड़ी है तब ही ये काम करेगा, जीरो से जीरो की कंडीशन में कुछ काम नहीं करने का। चलिए अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पे से हमने वो कोड तो हटा दिया, अब कैसे कैलकुलेशन होगा, इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे लिखेंगे कॉल मॉड्यूल, कौन से मॉड्यूल में लिखा था हमने, 3 नंबर के डॉट सम कैल। इसका काम क्या हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्स वन हो गया। अब इसी तरह से आप चाहे तो टेक्स्ट बॉक्स टू में आके यही कोड आप कॉपी करके लिख देंगे, या फिर हम इसको पूरे को कॉपी करके और जब नीचे आएंगे तो यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ 4 कर देंगे और यहाँ पर 5 कर देंगे। अब चलते हैं हम शीट में, यहां से ओपन फॉर्म हमने किया तो आपने देखा ये ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर रहा है। तो दोस्तों ये मैंने जो सीरीज शुरू की है ये फॉर्मूला सिखाने के शुरू की है, इसमें मैं आपको कोशिश करूंगा कि वी लुकअप एच लुकअप सब फॉर्मूले आपको यूजर फॉर्म के अंदर बताए जाएं, और इसमें अभी तो हमारा ये सिंपल सम के लिए था, आगे जो मैं आपको बताऊंगा उसमें हम प्लस माइनस और परसेंटेज निकालना उसका सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें एक चीज और रह गई है कि ये बटन आप
बहुत से लोग पूछते हैं कि ये बटन कैसे बनाया, तो उसके लिए क्या है, इंसर्ट में आप आए और यहां से जो इलस्ट्रेशन है इसमें कोई सा भी आपने एक शेप ले लिया, मान लीजिए ये शेप ले लिया। अब इसका आपने जो भी साइज वाइज लेना है वो यहां से ले लिया, साइज आपने यहां से बढ़ा लिया, सेंटर वगैरह कर लो, ओपन फॉर्म या शो फॉर्म कर दिया इसको, शो फॉर्म। सिंपल आपने करना ये, इसमें राइट क्लिक करके आपने असाइन मैक्रो कर देना, न्यू मैक्रो बना लो और यहाँ पे लिख दो यूजर फॉर्म का नाम, क्या यूजर फॉर्म का नाम है, जो भी आपके यूजर फॉर्म का नाम है डॉट शो कर देना आपने, यानी वो हमारा शो हो जाए। ये आ गया। तो इस तरह से आप आसानी से यूजर फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं, कर सकते हैं। मतलब वीडियो को आपने लाइक करना है, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें आगे इसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमें किस तरह के वीडियो बनाने चाहिए। मैं यहाँ पे यूजर फॉर्म में सम का फॉर्मूला, मतलब कैलकुलेशन टोटल करने के लिए यानी प्लस करने के लिए यूज किया, आगे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह भी यूज करेंगे, और साथ में वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, बल्कि इंडेक्स मैच का एक और वी लुकअप का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से आपने उसको भी देख लेना है कि वी लुकअप कैसे यूज करते हैं और इंडेक्स और मैच कैसे यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल को पहली बार देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का प्रेस को प्रेस जरूर करें, ऑल करें उसको, जिससे हमारे लगातार वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।